हेलो एवरीवन, ये वीडियो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ओके, जिनको वो कुछ पता नहीं है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं फर्स्ट ईयर में और कौन से सब्जेक्ट हार्ड होते हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्लासेस लेते हैं लोग, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्लासेस नहीं लेते लोग, वो सारी चीज़ें मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ ओके। तो सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा मैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन सा बैच हम यहाँ पर चालू करेंगे ओके, जो आपके लिए एकदम फ्री होगा, कुछ आपको चार्जेस नहीं देना ओके। तो यहाँ पर अभी देखो AM1 जो फर्स्ट ईयर में इतने सब्जेक्ट होते हैं, AM1 मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, तो ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है। ऐसे सेकंड ईयर में जाओगे तो अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे आपको ओके। तो जो मैथ्स होता है, मैथ्स आपको चार सब्जेक्ट रहते हैं, M1 M2 M3 M4, जो कि दो ईयर में कम्प्लीट होते हैं। फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर होते हैं जिसमें AM1 AM2 रहेगा ओके, सेकेंड ईयर में AM3 AM4 रहेगा ओके। अप्लाइड मैथ्स बोलते हैं, यहाँ पे EM है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि आपको कोर्स एंड वगैरह उसमें टॉपिक्स रहेंगे, कोर्स के टॉपिक रहेंगे जो फिजिक्स रिलेटेड होंगे ओके। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने किया होगा, ड्राइंग अगर आपको बनाना है, जैसे कौन सा फ्रंट व्यू बनाना होता है हमें या आइसोमेट्रिक व्यू बनाना होता है, वो सारी चीजें आती है इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग ओके। फिर आता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच ओके, तो ये सी लैंग्वेज होता है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको फर्स्ट ईयर में रहेगा ओके। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, बट यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में जितने महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में, तो उसमें सी प्रोग्रामिंग एक रहता है फर्स्ट ईयर। फिर बी डबल ई रहता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें हमें एसी करंट डीसी करंट के बारे में पूरा सब्जेक्ट है ओके। तो सारे मिक्सअप टॉपिक रहेंगे यहाँ पे ओके। फिर आता लास्ट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओके, तो फिजिक्स वन होता है, फिर फिजिक्स टू होता है, फिर कैम वन होता है, कैम टू होता है। ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट ईयर से नहीं मिलने वाली, सेकेंड ईयर से ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली, आपका जो कोर ब्रांच होगा उसके सब्जेक्ट आपको मिलने वाले ओके। लेकिन मैथ्स दोनों रहने वाला है, M3 एंड M4 रहेगा सेकेंड ईयर, और आप जब सेकंड ईयर में जाओगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाएंगे जो आपका ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो इलेक्ट्रॉनिक के सारे सब्जेक्ट, अगर आप कंप्यूटर ब्रांच लेते हो तो कंप्यूटर के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे ओके सेकंड ईयर से। लेकिन फर्स्ट ईयर में सारी चीजें कॉमन होती है, सारे लोग को मिक्सअप रहता है पूरी चीजें ओके। तो इसमें से भी सॉल्विंग जो रहते हैं अपने यहाँ पे, EM जो रहता है वो सॉल्विंग टाइप का है, ED जो ड्राइंग बनाने टाइप का है, और SPA जो कोडिंग है, और BEE जो AC/DC के करंट के सम रहेंगे, वो सब ये सब सॉल्विंग सब्जेक्ट है, सब में आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हो ओके। अभी मेन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कितना आता है लोगों को, मैथ्स में आता है, AM1 AM2 AM3 AM4 मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को, तो लोग क्लासेस भी लेते हैं, तो क्लासेस लेने से बहुत, मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्लासेस भी लेते हैं, तो क्लासेस में क्या होता है पर सब्जेक्ट के 15,000 वो लोग लेते हैं, और 15,000 लेने के बाद हमारे पास टाइम होता है तीन महीने का टाइम होता है एक सेमेस्टर के लिए, 3 से 4 महीने का टाइम होता, ज़्यादा नहीं होता। और क्लासेस में भी आप जाते हैं तो वीकेंड में ही क्लासेस होते हैं, तो 2 घंटे के क्लासेस होते हैं, तो वीकेंड में ही होता है, तो आप समझ लो कि कितना पढ़ाई होगा वहाँ, तो 15,000 देने के बाद भी लोग फेल हो जाते हैं ओके। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक क्लियर ही नहीं रहता। बेसिक क्लियर मतलब अभी अगर मैं AM1 की बात करूँ, AM1 में क्या टॉपिक्स रहेंगे, हमारे डेरिवेटिव के टॉपिक्स रहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीज जो आपने 12th में किया है ओके। तो 12th में आपने बेसिक चीज किया है, लेकिन यहाँ पर आपको एडवांस रहेगा, उसका आगे का पार्ट रहेगा। तो इंजीनियरिंग में आपको आगे के टॉपिक्स रहेंगे ओके, तो ये सब रहेगा। AM2 की बात करूँ मैं, तो AM2 में आपको क्या रहेगा कि पूरा का पूरा जितना भी मॉड्यूल्स रहेंगे उसमें वो सारे इंटीग्रेशन पे रहेंगे, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम निकालना इंटीग्रेशन का यूज करके, कोई कर्व का लेंथ फाइंड करना इंटीग्रेशन का यूज करके, तो एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होने वाला है सारी चीजें ओके। तो जिसका बेस क्लियर नहीं होता है वो लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम गिरता है और वो फेल हो जाते हैं, KT लग जाते हैं, तो बहुत लंबा लंबा टाइम तक जाता है KT। तो बहुत सारे लोग होम ट्यूशन भी लेते हैं, तो इतने ज्यादा पैसे देने के बाद भी लोग पास नहीं होते ओके, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैंने भी क्लासेस कभी लिया नहीं कुछ भी चीज ओके। तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हो, तो जो मैंने किया है मैं आपको बता सकता हूँ ओके। तो यहाँ पर मैं अभी बैच चालू करने वाला हूँ AM1 के लिए ओके, जो आपके लिए फायदा रहेगा, और AM2 का मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट पूरा डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आपको मैं अपना चैनल बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये अपना जो चैनल है ये तो कॉलेज रिव्यू का चैनल है, वैसे एक और चैनल है अपना जिसमें मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूँ, फिर एक और चैनल है जिसमें हम लोग सिर्फ कोडिंग पढ़ाते, जैसे SPA, तो SPA का भी मैंने पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है, जो यूनिवर्सिटी में आएंगे क्वेश्चन और आते हैं ओके, तो SPA का डाला हुआ है, तो वापस से मैं SPA का डाल सकता हूँ, डालूंगा न्यू बैच आपके लिए, कि प्रैक्टिकली करके पूरी चीज साथ साथ में दिखाऊंगा। और AM2 तो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, फिर AM1 अभी मैं बैच चालू करने वाला हूँ ओके। तो आपको मैं दिखा दूंगा सर्च करके कि अब दूसरा चैनल कौन सा है। तो यहाँ पर EM भी हम लोग चालू करेंगे, और ED में भी हमारे पास सर है, जो दूसरे सर योगेश सर है, तो ED वो पढ़ा सकते हैं।
और SPA भी है और AC DC में कुछ है नहीं, सिंपल फिजिक्स जो आपने कर चुके हैं, जो भी करंट के आपको फॉर्मूले थोड़े बहुत पता है, वो सारे चीजों का यूज करके हम लोग BW यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की है, तो थेरी सब्जेक्ट होते हैं तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, तो थेरी पढ़ो पास हो जाओ उसमें, उसमें ज्यादा कुछ है। और रही बात यहाँ पे AM में, मैथ्स में मैं आपको सारी बेसिक चीजें बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आपने अभी कॉलेजेस में क्या होता है कि टीचर्स जो आते हैं वो डिजाइन करके आते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है, तो पढ़ाते हैं लोग चले जाते हैं, ओके। वो उनसे जाके तुम पूछ नहीं सकते हो कि ये कहाँ से आया, तो वो लोग समझते हैं कि आपको आपने 12th में या तो 11th में या तो 10th में अच्छे से आपने पढ़ के आया होगा, तो उन टीचर्स को कुछ मतलब नहीं होता, वो अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और चले जाते हैं, ओके। और वो उनको बताने वाले भी नहीं है कि आप 12th में क्या किए थे, वो सारी चीजें। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो भी सम करेंगे उसके साइड में आपको कहाँ से ये फॉर्मूला आया वो भी मैं बताऊंगा, बेसिक चीजें भी बताऊंगा, ओके। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे सम, जो भी अपना सम करेंगे, ओके। और रही बात मेरा मार्क्स का, मैं मार्क्स भी बता देता हूँ आपको कि कितना आया मेरा। मार्क्स देते मेरा फर्स्ट ईयर में मार्क्स आया था मैथ्स में 86 आया था, और सेकंड सेम में मैंने 100 out of 100 भी लाया था उससे पढ़ के विदाउट क्लास, ओके। तो इतना आता है, तो भरोसा कर सकते हो, वो सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ओके। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो 12th में ही मेरा आया था 97 आया, पढ़ाई नहीं कर रहा, एक बता रहा हूँ आपको कि आप भरोसा कर सकते हो मुझ पर, ओके। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि कहाँ से पढ़ाना है, तो आप मेथड देख सकते हो किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के सम। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करोगे तो ही चलेगा। और यहाँ पर मैं कोई कोर्स पेड नहीं रखने वाला हूँ, ये भी बात आपको मैं बता देता हूँ, ओके। कोई पेड नहीं रहेगा कोर्स, ऑनलाइन जाओ आप डायरेक्टली, डेली सर्च करो और देखो बाकी कुछ, ओके। और पिछले 2 साल से जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है उसके वजह से मुझे पता है कि क्या हो रहा है बच्चों का, क्योंकि उनको फॉर्मूला तक नहीं पता है कि अभी मैं पढ़ाता हूँ, मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूँ 12th में, तो जहाँ पर भी पढ़ाता हूँ वहाँ जाके कोई फॉर्मूला में अगर लिख दूँ छोटा भी, जो 10वीं में यूज़ हुआ था, जो 11वीं में यूज़ हुआ था, तो उनको पता ही नहीं कि भाई कहाँ से आया। ऑनलाइन कॉलेजेस की वजह से क्या हुआ, बच्चे लोग ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कोई भी उसको सम इंटीग्रेशन का सॉल्व करने नहीं आता है, कोई भी डबल डेरिवेटिव मतलब कोई भी इंटीग्रेशन का सम उन्हें सॉल्व नहीं करने आता, कुछ फॉर्मूला इंटीग्रेशन के नहीं आते, जो नॉर्मल आइडेंटिटीज होती है A+B का होल स्क्वायर के अलग अलग फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी नहीं आते बहुत लोगों को, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे कि हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम गिरा है उनको, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें ही बताऊंगा, बेसिक फॉर्मूला ही बताऊंगा, सारी चीज़ें बेसिक से ही बताऊंगा कि ये कहाँ से आया, वो आपको डाउट नहीं आएगा कि ये चीज़ कहाँ से आई, ओके। तो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा चैनल दूसरा कौन सा है और कोडिंग का चैनल कौन सा है, और कॉलेज रिव्यू का तो आपको ये चैनल पता ही है, ओके। और मैथ्स का चैनल कौन सा वो भी हमें आपको बता देता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आ गए हम लोग यूट्यूब पर, और यहाँ पे आपको सर्च करना है अपना ट्यूशन फॉर मैथ्स चैनल, ओके। तो अपना ट्यूशन आपको सर्च करना है, तो पहला वाला जो चैनल आएगा जैसे यहाँ पर दिख रहा है मुझे ये लायन का लोगो वाला, तो ये वाला है मेरा मैथ्स का चैनल है, तो इसमें मैंने मैथ्स के वीडियो इंजीनियरिंग के डाल के रखे, ओके। जैसे प्लेलिस्ट पर जाएंगे हम लोग, और प्लेलिस्ट पर जैसे कि यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग Maths 1, Maths 2, Maths 3, Maths 4 करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने 84 वीडियोस डाल के रखे हैं इंजीनियरिंग Mathematics 2 के, और 1 के 26 वीडियो डाल के रखे जिसमें मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, ओके। फिर यहाँ पर आगे जाओगे तो आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा SPA, जो कि SEM 2 में है, सी प्रोग्रामिंग, तो इसमें 75 वीडियोस है, ओके। तो टोटल 75 वीडियोस मैंने डाल के रखे SPA के लिए। और अभी आपको अगर कोडिंग का चैनल जाना है, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग देखना है या तो नई नई लैंग्वेजेस देखना है, तो अपना ट्यूशन कोडिंग करके आपको सर्च करना है और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है फर्स्ट चैनल पे, ओके। तो ये फर्स्ट चैनल है मेरा अपना ट्यूशन कोडिंग, तो इसमें कोडिंग के सब्जेक्ट्स मैंने डाले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जावा ट्यूटोरियल करके मैंने डाला है, डार्ट ट्यूटोरियल डाला है जो कि लेटेस्ट लैंग्वेज है फ्लटर के लिए, ओके। तो इसमें मैं सी लैंग्वेज भी डालूंगा, SPA जो अपना है वो भी डालूंगा, जो जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर कोडिंग के सब्जेक्ट्स अलग अलग से चैनल में रहेंगे, और मैथ्स का चैनल अलग से रहेगा, और आप कॉलेज रिव्यू जो आप ये देख रहे हो चैनल वो अलग है, ओके। जिससे वीडियोस मिक्सअप ना हो कि कोडिंग के वीडियोस और मैथ्स के वीडियो और कॉलेज रिव्यू के वीडियो मिक्सअप ना हो, उसकी वजह से अलग अलग चैनल है हमारे पास ये, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।